सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अनुशासन कठिन जरूर लगता है पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा भी कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत उन्हें इन्हीं ने तो संभाला है। जिस प्रकार एक वृक्ष की खूबसूरती फूल और पत्तों में निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसकी विचारों और व्यवहार पर निर्भर करती है। आज का पंचांग 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 10:32 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:58 से 4:22 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:38 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के लिए पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर 8:13 तक रहेगा। शाम के समय कुबेर देव के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें और धन्वंतरी देव, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहां पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तुला राशि 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। इस राशि वालों के आज के सरकारी काम पूरे होंगे और परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी भी लग सकती है। जीवन साथी के साथ किसी प्रॉपर्टी व जमीन में निवेश करने का मौका मिलेगा और अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर कुछ समय से परिवार का माहौल खराब चल रहा है तो वह आज खत्म हो जाएगा और घर के छोटे बच्चे दिवाली की मौज मस्ती करते नजर आएंगे। व्यापार व कारोबार करने वालों को आज अच्छा लाभ होगा और आपकी अच्छी वृद्धि होगी। शाम का समय किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करना पसंद करेंगे। आप कई जवाबों को ढूंढ रहे हैं, शायद अपने मार्गदर्शन के लिए आप ध्यान करेंगे। अभी थोड़ा एकांत प्रिय होना समझदारी है। अच्छी तरह से आराम करें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। माता के समान कोई स्त्री इस खुद का विश्लेषण करने वाले चरण में आपकी मदद कर सकती है। आप आज दयालु और भावनात्मक महसूस कर सकती हैं। निर्णय लेने के लिए आज के समय शुभ नहीं है। अपने सहज ज्ञान पर भरोसा और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गाड़ी ध्यान से चलाएं और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको और आपके प्रियजनों का नुकसान हो। जीवन सबको दूसरा मौका अवश्य देता है जिसे कल कहा जाता है। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित राशि में चमक रहे हैं। आज के दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला भी है। आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आप अपने घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आपकी भाई व बहन कामों में आपका पूरा साथ देंगे। अगर विद्यार्थी हैं तो आपको अपने पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और आपको महत्वपूर्ण कोई कदम उठाना होगा क्योंकि पढ़ाई लिखाई में समस्या अवश्य आएगी। आपको किसी सहयोगी से सलाह की आवश्यकता है। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। आपका बिजनेस पहले से ज्यादा बढ़ेगा जो आपको खुशी देगी। पिछले कुछ समय से जिन कार्यों को टाल रहे थे अब उन्हें पूरा करने का उचित समय है। मकान दुकान आदि से संबंधित रखरखाव और मरम्मत संबंधित प्लानिंग होगी। आपको अपने कार्यों तथा मेहनत के भरपूर परिणाम मिलेंगे। आर्थिक पक्ष भी मजबूत बनेगा। दूसरों के लिए मन में बढ़ रही जलन की भावना के कारण आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। जो लोग जीवन में प्रगति प्राप्त कर रहे हैं ऐसे लोगों की संगत में रहते हुए आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी समस्याओं को दूर करें। नकारात्मकता और इनसिक्योरिटी दूर करते हुए स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश करें। काम की जगह मदद और मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद भी आपके काम पूरे नहीं होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी रह सकती है
परिवार के लोगों से मिली सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए विवाह संबंधित निर्णय लें। शरीर में पानी की मात्रा कम होने से तकलीफ भी हो सकती है। विवाह से दिन शुरू होगा और संतान की चिंता रहेगी। दोपहर में राहत की प्राप्ति हो सकती है और कार्य में सुधार के साथ तनाव समाप्त होगा। शाम को बेहतर समय रहेगा, बड़ा काम बन सकता है। योजनाएं सफल होगी और रुके कामों में गति आएगी। दिन का अंत सफलता दिलाने वाला रहेगा। सावधानियां, किसी भी तरह का लेन देन करने से आज परहेज करें। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर चिंता करने की बजाय धैर्य और संयम से काम करना उचित रहेगा। समय अनुसार परिस्थितियां व्यवस्थित भी होती जाएगी। अत्यधिक व्यस्तता आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा तथा आपसे सामंजस्य मधुर बना रहेगा। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में भी चमकेंगे। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकती है। रोमांस और यौन सुख आपकी जरूरत है, जिससे आपका संबंध अटूट बनेगा। दादा नाना के स्वास्थ्य के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपने साथी को अपने प्यार का सबूत देना ना भूलें, और इसके लिए आपका एक किस्सा आलिंगन ही काफी है। आज आप भावुक और विचलित हैं। खुद पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने अंतरात्मा की सुनें। आज आप अपने दिनचर्या से ऊब सकते हैं, ऐसे में अपने साथी के साथ कुछ समय बिताएं। अपने जीवन साथी से सलाह लें और मन हल्का करें। प्यार एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। बात करते हैं करियर की। अतिरिक्त काम या निजी कारणों के कारण आपको तनाव या मानसिक समस्याएं हो सकती है, जिसे बचने के लिए खुद के लिए समय निकालें। सपना पूरे करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। इस समय दीर्घकालीन निवेश ना करें, इससे हानि होने की संभावना है। आज आपका दया भाव और भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें और विश्वसनीय लोगों से सलाह ले सकते हैं। आज गाड़ी धीरे चलाएं और नशे से बचें। याद रखें कि बड़े जोखिम या भारी नुकसान पूरी योजना पर पानी फेर सकता है। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्य से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं। इससे आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। व्यवसाय संबंधित गतिविधियों के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। मार्केट से जुड़ी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों में बेहतरीन अनुबंध मिलेंगे और अप्रत्याशित सफलता भी मिलेगी। परंतु किसी को भी पैसा या माल उधार न दे, नुकसान हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आज पानी से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए अगर आप तैराकी, सीलिंग या सर्फिंग के लिए जा रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और आप नई व्यायाम या योग कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास किसी से आप और अच्छे शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। आज का उपाय, आज आप घर में 3 झाड़ू लाएं, शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।